आपको एक प्रेरित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आमतौर पर जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं तो इसका मतलब होता है उनका अपना कोई एजेंडा है। जीवन का कोई एजेंडा नहीं है, ये आपके लिए एक पूर्ण विकसित जीवन होना है। एक झिंगूर पूर्ण विकसित झिंगूर होने की कोशिश कर रहा है, एक केंचुआ पूर्ण विकसित केंचुआ होने की कोशिश कर रहा है, एक पक्षी पूर्ण विकसित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है, एक पेड़ पूर्ण विकसित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है, एक मनुष्य को भी पूर्ण विकसित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा बस यही काम है। पर हम में से हर कोई अपना एजेंडा बनाने में लगता है और हर तरह की चीजें करने लगता है। नहीं नहीं, आप बस जीवन का एक टुकड़ा है। खुद को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि मुझसे और आपसे पहले अनगिनत लोग आकर जा चुके हैं। आया ना, वो कहां है? वो सारे लोग, आपको लगता है वो सभी मूर्ख थे? वो सभी मूर्ख थे और वो मर गए, क्या ऐसा है? नहीं, वो भी आपकी ही तरह थे। शायद वो भी अधिकारी रहे हों, शायद वो राजा रहे हों, आपसे भी बढ़कर। हर तरह की चीजें अब सब ऊपरी मिट्टी बन चुके हैं। ये भी ऊपरी मिट्टी बन जाएगा। बस थोड़ा सा समय है और जीवन एक छोटी सी चिंगारी है। आपका बेटा कितना बड़ा है सर? 25? तो 27 साल पहले वो कहां था सर? तो अगर कोई यहां नहीं है तो हम कहते हैं कि वो मर चुके हैं, है ना? 27 साल पहले वो मर चुका था। हम उसे 100 साल देंगे सर, 80 साल बाद वो फिर से मर जाएगा। आया ना? तो 27 साल पहले वो कितने समय तक मरा रहा था सर? लंबे समय तक। तो 85 साल या 80 साल बाद वो कितने समय तक मरा रहेगा सर? बहुत लंबे समय तक। तो हम सभी बहुत लंबे समय तक मरे रहेंगे। हम बहुत ही थोड़े समय के लिए जीवित हैं। हाँ, बहुत ही थोड़ा सा समय। मैं चाहता हूं आप इसकी ओर इस दृष्टिकोण से देखें। आप कितने समय तक मरे रहेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हम 10,000 साल तक या 1,00,000 साल या 10,00,000 साल तक मरे रहते हैं, ठीक है? उसकी तुलना में आप कितने समय तक जीवित हैं? बहुत बहुत छोटे समय तक। जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक छोटी सी चिंगारी है। आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विकसित जीवन के रूप में प्रकाशित हों। जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे, क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है ना? जब आप दुखी होंगे तब आप प्रेरित होंगे। हाँ, मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं क्या आपने खुद की ओर देखा है? आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, अगर जरूरी हो तो पीछे की ओर झुक जाएंगे, है ना? जब आप थोड़े परेशान होते हैं, ये कितना मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज से प्रेरित होना मत सिखाइए। ये सारी बकवास पश्चिम से आ रही है, ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें। खुद को प्रेरित कीजिए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए। आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नष्ट कर दिया। अब आप खुद पर यकीन करते हैं, आप क्या करेंगे? ये सारा कचरा पश्चिम से आ रहा है। आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि अभी ये अपने पूर्ण संभव स्तर पर कैसे हो। अगर ये पूर्ण रूप से जीवित है तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है, है ना? जो ये नहीं कर सकता उसे ये वैसे भी नहीं करेगा। अगर आप सुबह किसी पक्षी को देखें, यहां पक्षी हैं, आप जानते हैं, आप कहां से आए हैं सर? दिल्ली? तमिलनाडु? चेन्नई? चेन्नई कौवे को छोड़कर शायद वहां कोई पक्षी नहीं है। तो अगर यहां आप कोई पक्षी देखते हैं सर, छोटा पक्षी, सुबह में, ये वो सब कुछ कर रहा होता है जो ये कर सकता है ना? हेलो, वो सब कुछ जो ये कर सकता है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। आपको बस यही करना है। वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं, आप जो नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है।
एक कीड़ा वो नहीं कर सकता जो एक पक्षी करता है, एक पक्षी वो नहीं कर सकता जो एक हाथी करता है, एक हाथी वो नहीं कर सकता जो हम करते हैं, हाँ या ना? लेकिन हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो कोई मायने नहीं रखता, जो हम कर सकते हैं वो जरूर होना चाहिए। फॉर दिस ऑल दैट्स नीडेड इज यू मस्ट अंडरस्टैंड लाइफ इज अ वेरी ब्रीफ स्पार्कल, इट्स जस्ट पुप पुप एंड गॉन। इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है, ये बस बुब बुब और खत्म। आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं। जब तक आप दुखी ना हो, दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है। सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा है। अगर आप बहुत खुश हैं तो पुफ, इससे पहले कि आप जाने कि क्या हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। क्या आपने किसी खास दिन की ओर ध्यान दिया है? आप बहुत खुश थे, 24 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। थोड़े दुखी, 24 घंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं, हाँ या ना? इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक्ष अनुभव है। पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे, आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे, आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें। इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होइए। आपको बस यही करना है कि आपको एक पूर्ण विकसित जीवन बनना चाहिए। 25 साल का लड़का, उसे एक प्रेरित मनुष्य नहीं बनना चाहिए, उसे सिर्फ जीवन का एक विस्फोट होना चाहिए। उसके बाद वो नहीं पूछेगा मैं सुबह उठने पर प्रेरित कैसे महसूस करूं। आप किस चीज को लेकर प्रेरित हैं? किसी चीज से नहीं। अगर आप जीवित हैं तो अपने बिस्तर से उछल खड़े होंगे, है ना? पर अब जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह हम सांस लेते हैं, जिस तरह हम चीजें करते हैं और नशीली चीजें वगैरह, सब कुछ आमतौर पर शरीर मरना चाहता है, ये जीवित नहीं रहना चाहता। लोग, आपको पता है ये सब कुछ पश्चिम से है, लोगों ने इस संस्कृति का निर्माण किया। वो क्या है? भगवान का शुक्र है आज शुक्रवार है। आंकड़े दर्शाते हैं 70% अमेरिकी अपने काम से नफरत करते हैं, नापसंद नहीं बल्कि घृणा। 5 दिनों तक अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप वीकेंड का आनंद कैसे उठाते हैं। वीकेंड में सिर्फ इतना होता है कि आप बेहोशी की हालत में होते हैं, या तो आप शराब पिए होते हैं या ड्रग्स लिए होते हैं या किसी चीज में लिप्त होते हैं, ठीक है? उसके परे कोई बड़ा आनंद नहीं घटित हो रहा, आया ना? 70% लोग अपने काम से नफरत करते हैं। आप इस तरह कैसे जी सकते हैं? आखिर आप ऐसी कोई चीज क्यों कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते तो आपको वो नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई उसे हमेशा करेगा। हेलो, कोई मेरे पास आता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को चलाते हैं, एक वैश्विक सीईओ। वो एक परेशान अवस्था में आते हैं और सदगुरु मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो हर रोज मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, मैं इसे नहीं संभाल सकता। तो मैंने उनकी ओर देखा, अपने हाथ उठाए और कहा आपको काम से निकाल दिया जाए। ओह सदगुरु, सदगुरु आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अरे आप कितना ज्यादा कष्ट उठा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अगर आपको निकाल दिया जाता है तो कम से कम आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं। शायद कोई और इस काम को आपसे थोड़ी ज्यादा खुशी से करे। क्या आपको लगता है आप ही धरती को घुमा रहे हैं? हेलो, तकलीफ क्या है? क्या आप ही धरती को घुमा रहे हैं? क्या आप ही से सूरज के चारों ओर घुमा रहे हैं? सब कुछ मुफ्त है, है ना? हेलो, सब कुछ मुफ्त है। आपको बस एक पूर्ण विकसित जीवन बनना है। अपने आप को बहुत ज्यादा धारणाओं, दर्शनों, मान्यताओं, बेतुके विचारों और भावनाओं से बांधकर आप जो हैं उससे कम मत होइए। नहीं, आप जो हो सकते हैं उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। आपको किसी दूसरे जितना अच्छा नहीं बनना है और आप कभी हो भी नहीं सकते क्योंकि सभी अलग हैं, पर आप जो हो सकते हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको इसके लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको जीवंतता की जरूरत है। 25 की उम्र में अगर आप बहुत जीवंत नहीं हैं तो आपको थोड़े सहारे की जरूरत है। चेन्नई आमतौर पर सुबह सुबह जीवंत होता है, ये बैंगलोर की तरह नहीं है। बैंगलोर 10 बजे उठता है, चेन्नई आमतौर पर सुबह 5 बजे से ही जीवंत हो जाता है। जनरली
इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजिए, ये जरूरी नहीं है। आपको देखना है कि वो कैसे आनंदपूर्ण और जीवंत रहते हैं। इसमें उनका शरीर और उनकी बुद्धि सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे। अरे क्या वो बस खुश रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, आप खुश होते हैं तब ज्यादा करने को इच्छुक होते हैं या दुखी होते हैं तब? जब आप खुश होते हैं तब जिसकी भी जरूरत होती है आप उसे करने को तैयार होते हैं, है ना? जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अपने भोजन, अपनी नींद को छोड़ने के इच्छुक होंगे और जो करने की जरूरत है उसे करेंगे, है ना? जब आप नाखुश होते हैं, ओ आपसे कोई काम करवाना कितना मुश्किल है, हाँ या ना?